तो दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम भारत में लॉन्च हो चुकी है। आइए जानते हैं इसकी कीमत, फीचर्स और माइलेज के बारे में। आखिर भारत ने सीएनजी बाइक को कैसे तैयार कर लिया, आखिर कैसा है दुनिया का पहला सीएनजी बाइक को लेकर के नितिन गडकरी का क्या कहना है, इस सीएनजी बाइक का कीमत कितना है, सीएनजी बाइक के क्या क्या फायदे होंगे, सीएनजी बाइक सस्ता पड़ेगा या फिर पेट्रोल डीजल वाला बाइक या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला बाइक। दोस्तों बजाज ऑटो ने कल ही 5 जुलाई को फ्रीडम 125 को लॉन्च किया है, जो कि दुनिया की पहली मोटरसाइकिल है जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी से चलती है। आपको बता दें गाइस कि यह 150 सीसी कंप्यूटर बाइक है जो कि पेट्रोल और सीएनजी दोनों से चलती है। इसका उद्देश्य इस वाले श्रेणी के राइडर्स के लिए परिचालन लागत को काफी कम करना है। अगर आप बजाज के इस वाले बाइक को खरीदना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 95,000 रुपया पे करना होगा। ऑन रोड इसका प्राइस लगभग 1.1 लाख रुपया है। जैसे ही ये बाइक लॉन्च हुआ इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। शुरुआती रोल आउट गुजरात और महाराष्ट्र में होगा, साथ ही इसे तंजानिया, पेरू, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे बाजारों में भी निर्यात करने की योजना है। यानी कि भारत न सिर्फ भारत के बारे में सोच रहा है बल्कि हम जो भी चीज बना रहे हैं उसको हम दुनिया के अलग अलग कंट्रियों में एक्सपोर्ट भी करेंगे। आपको बता देगा इसकी फ्रीडम 125 की लागत के प्रति जागरूक कस्टमर के लिए डिजाइन किया गया है। यह बाइक एक छोटे पेट्रोल टैंक और एक सीएनजी सिलेंडर से सुसज्जित है। मोटरसाइकिल सवारों को हैंडल बार माउंटेड स्विच का उपयोग करके ईंधन के प्रकारों के बीच स्विच करने की अनुमति देता है। पेट्रोल टैंक के नीचे स्थित सीएनजी सिलेंडर बाइक के डिजाइन के साथ बहुत ही सस्ता से एकीकृत किया गया है, जो इसे अन्य मॉडल से अलग करता है। इस वाले मोटरसाइकिल में सीएनजी और पेट्रोल के लिए अलग अलग फिल्टर नोजल है जो उनकी अलग अलग भंडारण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसमें जो पेट्रोल टैंक लगा है उसकी क्षमता 2 लीटर की है जबकि सीएनजी टैंक की क्षमता 2 किलोग्राम है। बजाज का दावा है कि फ्रीडम 125 अकेले सीएनजी पर 213 किलोमीटर तक चल सकता है, जिसमें पेट्रोल टैंक से 117 किलोमीटर अतिरिक्त मिलता है। कुल मिलाकर यह 330 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसकी जो ईंधन कैपेसिटी है वो सीएनजी के लिए 102 किलोमीटर प्रति किलोग्राम और पेट्रोल के लिए 64 किलोमीटर पर लीटर आकी गई है। 150 सीसी सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन के साथ एयर कूल्ड इंजन द्वारा संचालित फ्रीडम 125 9.4 bhp और 9.7 nm का टॉर्क देता है। इसके अलावा गाइस बाइक में टेलोस्कोपिक फ्रंट फोकर्स और रियर मोनोशॉक है, जिसमें की फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम के ब्रेक द्वारा ब्रेकिंग की जाती है। ये 17 इंच के अलॉय व्हीकल्स पर चलती है। इसी के साथ गाइस आपको बता दें कि भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत अगले 5 वर्षों में दुनिया में ऑटोमोबाइल उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश बनने के लिए तैयार है। उन्होंने शुक्रवार को पुणे में एक कार्यक्रम में कहा कि अब ऑटोमोबाइल उद्योग लागत केंद्रित नहीं है बल्कि गुणवत्ता केंद्रित है, और यही कारण है कि मुझे विश्वास है कि 5 साल के भीतर हमारा नंबर दुनिया में ऑटोमोबाइल विनिर्माण में दूसरे स्थान पर होगा। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग के आकार के मामले में भारत अमेरिका और चीन से पीछे है एट प्रेजेंट टाइम, लेकिन आने वाले 5 सालों में हम चीन को पीछे छोड़ेंगे। भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग का जो मूल्य है वो 20 लाख करोड़ रुपया है। यह राज्य और संघीय सरकारों को वस्तु एवं सेवा का यानी कि GST के रूप में 3 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करता है। इस उद्योग ने 4 करोड़ नौकरियां पैदा की है। यह उद्योग न केवल पैसे को सृजन करता है बल्कि रोजगार भी सृजन करता है। जाहिर सी बात है कि भारत अगर 5 साल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर बनेगा तो इसमें हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और इस चीज को लेकर के नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता रोजगार सृजन है। उन्होंने कहा कि मुझे वास्तव में खुशी है कि जब मैंने मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था तो हमारा ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया में 7वें स्थान पर था। अभी सिर्फ 3 महीने पहले ही हमने जापान को पीछे छोड़ा है और अब हम ऑटोमोबाइल के मामले में दुनिया में 3रे स्थान पर हैं। आई एम रियली हैप्पी दैट व्हेन आई टेकन चार्ज एज ए मिनिस्टर आवर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नंबर वॉज 7 इन द वर्ल्ड। बट जस्ट 3 मंथ बिफोर वी सरपास जापान एंड नाउ आवर नंबर इज 3rd इन द वर्ल्ड। इसके अलावा नितिन गडकरी जी ने वैकल्पिक ईंधन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि परिवहन के हरित साधनों के उपयोग से आयात पर दबाव कम होगा। हरित ईंधन के लिए कुछ प्रोजेक्ट पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुणे जिले में एक कारखाना चावल के भूसे से बायो सीएनजी बना रहा है, जहां पर यह कारखाना 5 टन चावल के भूसे से 1 टन सीएनजी को बना रहा है। तो देखा जाए तो भारत साइंस के क्षेत्र में कई कारनामे कर रहा है। भारत ने दुनिया का पहला सीएनजी मोटरसाइकिल को बना करके तैयार कर दिया। हम लोग बायो सीएनजी पर काम कर रहे हैं। आज अपना भारत हर क्षेत्र में ग्रो कर रहा है। आप किसी भी क्षेत्र को उठा लीजिए, हर क्षेत्र में भारत का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है ग्रोथ के मामले में। तो आने वाला टाइम भारत का होने वाला है। अगर आप भारत के ऐसे ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि मैं भारत के ग्रोथ की हर एक अपडेट आपके पास लाता हूं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।